लालू प्रसाद यादव पर वारंट निकला है मैम। कौन सा वारंट निकला है? ग्वालियर में एमपीएमएल कोर्ट इसका मुझे जानकारी नहीं। अब मेरे सारण में तो चाय पीने के लिए चीनी फैक्ट्री लगाने वाले थे, इंतजार कर रहा है जनता उनको चाय पिलाएगी इस बार बहुत बढ़िया। पूरा दुनिया मेरा कायल है इस आदर्श बेटी को, कौन नहीं चाहता है बाप अपने कि मेरी बेटी रोहिणी आचार्य जैसी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं प्रीति आपके साथ। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में बीते 3 दिनों में पीएम मोदी का ये दूसरा बिहार दौरा था। जी हां, आज उन्होंने नवादा आकर जनसंचार किया, लोगों में वोट अपील की। तो इसी पर जब सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से पूछा गया कि पीएम मोदी दूसरी बार बिहार आए हैं तो इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पिछले 10 साल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है और अब देखना होगा कि आगे भी वो क्या करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग इंतजार कर रहे हैं 20 लाख नौकरियों का और 5 लाख अपने खाते में आने का। आइए पहले उनके बयानों को सुनते हैं। तो जाके जनता के बीच में घूमे ना, पता चलेगा उनको कोई टक्कर में नहीं है, बताएगा जनता उनको, सब हवा हवाई हवाई में रह जाएंगे। पीएम मोदी फिर आ रहे हैं आज दूसरी नवादा में, सभा को संबोधित करेंगे मैम, तो उसमें हम क्या करें? परिवार वाले जाएंगे, बेटा बेटी दामाद सब जाएगा, लोग उनका इंतजार करेगा परिवारी लोग। लालू प्रसाद यादव पर वारंट निकला है मैम। कौन सा वारंट निकला? ग्वालियर में एमपीएमएल कोर्ट इसका मुझे जानकारी नहीं है। 10 साल का जिक्र फिर से हो रहा है कि 10 सालों में हमने जो कार्य किया है, किसने? सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, प्रधानमंत्री बोले हैं। हाँ, पिक्चर बाकी है ना, जनता इंतजार कर रहा है, 2 करोड़ का रोजगार इंतजार कर रहा है, 5 लाख अपने खाते में इंतजार कर रहा है, तो जनता को जवाब दें क्या क्या किया। अब मेरे सारण में तो चाय पीने के लिए चीनी फैक्ट्री लगाने वाले थे, इंतजार कर रहा है जनता उनको चाय पिलाएगी इस बार बहुत बढ़िया, चाय का दुकान बंद हो गया। आप सिंपैथी वोट गेन कर रही है, इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। सिंपैथी वोट हम क्यों गेन करने जाएंगे? पूरा दुनिया मेरा कायल है इस आदर्श बेटी को, कौन नहीं चाहता है बाप अपने कि मेरी बेटी रोहिणी आचार्य जैसी हो। सिंपैथी तो ये बैठकर रोने लगते हैं, बेटी को गाली देने में इनको शर्म नहीं आती है, बेटी बहन बहन को गाली देते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। कितना लोगों का प्यार मिल रहा है आपको, कितना लोगों का? आइए ना आप देखिए, सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठे कि सिक्योरिटी का आपने मिसयूज किया है। हाँ, मिसयूज ना, 5 तारीख को समस्तीपुर में मिसयूज है, उसे चलाइए ना आप लोग, तब हम जाने। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से रोहिणी आचार्य ने तंज कसते हुए कहा कि लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं उन 20 लाख नौकरियों का, उन 5 लाख रुपए का, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बीजेपी सिर्फ वादे करती है और कोई वादे निभाती नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सारण में जहां पीएम मोदी ने चीनी फैक्ट्री का वादा किया था उसका भी जनता इंतजार कर रही है और जनता ये सब देख रही है और ये देखते हुए ही जनता अपना निर्णय लेगी। साथ ही जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भी बीजेपी ने उन पर शिकायत दर्ज की है तो इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि समस्तीपुर में जब आचार संहिता उल्लंघन होता है तब वहां ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। यही तंज कसते हुए उन्होंने शांभवी चौधरी की तरफ इशारा किया है। तो वहीं आज के भाषण में क्या कुछ कहते हैं पीएम मोदी और क्या कुछ पलटवार होते हैं ये देखना होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे देशवा न्यूज के साथ, धन्यवाद।